हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो यूनिट है यूनिट नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप बच्चों को बताया था कि ये जो चैनल है प्रिसेप्टर रोहित, ये एक स्टडी चैनल है और एक ऐसा यूनिक चैनल है जिसपे आप बच्चों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और नोट्स वो आपको मिलेंगे और आपको वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स के भी आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आप बच्चों को ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स से इंजॉय कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज जब भी आप लेक्चर देखते हो तो एंड तक जरूर देखा करो और साथ में अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक डालें और शेयर करें सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ। ये मेरा जो स्टडी चैनल है, इसको आप कहीं पे भी सर्च करोगे, चाहे गूगल पे, चाहे आप क्रोम पे सर्च करोगे, जो भी सर्च इंजन होगा वहां पे आप सर्च करोगे, आपने सिर्फ प्रिसेप्टर रोहित लिखना है, आपको मेरा चैनल वहां पे मिल जाएगा। और जब आप मेरे चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे लेटेस्ट वीडियोस, जो भी लेक्चर्स अपलोड हुए होंगे वो आप बच्चों को मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग क्लासेस की अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो जो मैंने स्टार्ट किए हुए हैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे आपको पहले वहां पे होम दिखेगा, होम के बाद वीडियोस दिखेगा और वीडियोस के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट होगा। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट अलग अलग दिखेंगी, हर एक यूनिट की आपको प्लेलिस्ट वहां से मिलेगी। तो आप बच्चे उस प्लेलिस्ट खोल के अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वो प्लेलिस्ट खोलोगे और साथ में वहां से आप सारे के सारे लेक्चर्स एक ही लिंक से आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे पूरे एक एक यूनिट के। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आप बच्चों के लिए ये चैनल हेल्पफुल रहेगा और ये हमेशा के लिए आप बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप 11th में होंगे, चाहे 12th में, चाहे 9th में, चाहे 10th में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी कोऑपरेटिव। अभी आप बच्चों को पता है यहाँ पे नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये जो वीडियोज होते हैं लेक्चर्स, ये रेगुलरली अपलोड होने में शेड्यूल के टाइम पर प्रॉब्लम रहती है। तो कभी लेक्चर थोड़ा शेड्यूल टाइम से पहले अपलोड हो जाता है, कभी बाद में अपलोड होता है। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी कोऑपरेटिव। जब भी लेक्चर अपलोड होता है आप बेल आइकन पे क्लिक किया होगा अगर आप बच्चों ने, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है और वहां से आप उस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आप बच्चों को ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे यूनिट 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस कौन सी होती हैं, जो ओरिजिन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हम ये सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स है और दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, मतलब ये एक लाइन है तो लाइन को हमने ये डिवाइड करना है 3:1 में, तो मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा ताकि ये लाइन ये हमारी 3:1 में आ जाए और ये हमारी 1:1 में लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब इसको हम सेक्शन में चेंज कर दें, इस लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर दें, एक 3:1 में होगी और दूसरी 1:1 में होगी, इस तरह से, या उसको हम जनरल में m:n लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम जब थ्री पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है, जब ट्राइंगल बनेगा फिर हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना भी इस यूनिट में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे समरी कि हमने इस लेक्चर में, इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी कोऑपरेटिव, आप लेक्चर रोज देखा करिए और एंड तक देखा करिए ताकि आप बच्चों को कभी भी किसी भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी कोऑपरेटिव। तो हम करते हैं अपना स्टार्ट ये वाला यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप बच्चों को ये 9th क्लास में आप बच्चे पढ़ते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी पॉजिटिव होती है, ये भी हमारी पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और ये भी हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आप बच्चों ने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने ये 9th क्लास में नहीं पढ़ा है तो इस यू 9th क्लास में वो लीनियर इक्वेशन इनटू वन वेरिएबल होगा यूनिट, वो मैंने आप बच्चों के लिए अपलोड कर लिया है जो अपने चैनल पे, आप वो लेक्चर भी वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट खोल के 9th की, और आप बच्चों को ये बेसिक अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस, और जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में काटती है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं,
ओरिजिन। और ओरिजिन में क्या होता है, जीरो, जीरो मतलब जीरो ही एक्स एक्सिस होता है और जीरो ही वाई पॉइंट होता है। तो इट मींस ये वाला क्या होगा हमारे पास ओरिजिन, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है x और y, तो ये जो यहां पे लिखा होगा आप x की जगह पर जैसे 1, 2, 4, 0 जो भी होगा इसको हम क्या बोलेंगे x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। और डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये होता क्या है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, के वाई एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, तो वो हमारा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप बच्चों को यहां पे एग्जांपल करके बताता हूं। देखो यहां से एक हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस ये है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया ये है 3, 4, क्या है पॉइंट 3, 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा मतलब 3 से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा सेम होगा, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा 3। इट मींस ये कितने डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, कहां से वाई एक्सिस से। तो इट मींस ये हमारा क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, इसकी को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। सिमिलरली ये जो 4 है ये क्या होगा, जो हमारे पास एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा ये होगा हमारे पास, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है ये वाला, और ये हमारा क्या होगा 4, ये हमारा क्या होगा 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी यहां पे डेफिनेशन क्या लिखी है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस का इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, इसको हम जनरल में ऑर्डिनेट भी बोलते हैं या फिर वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये है हमारे पास जो पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आप बच्चों को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट समझ आया होगा। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा होता है और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट होता है, ये आप बच्चे याद रखेंगे। और ओरिजिन ऐसा पॉइंट होता है जो क्या हो जिसमें x कोऑर्डिनेट भी जीरो हो और y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, और वो ये वाला पॉइंट होता है क्योंकि यहां पे जीरो ही एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जीरो ही वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होगी हमारी डियर स्टूडेंट्स ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होगी तो यहां पे देखो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे ये पॉइंट देखोगे तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस 1 यूनिट पे आ रहा है, ये 2 यूनिट पे आ रहा है, लेकिन अगर इस पॉइंट को आपने इसको आपने दिखाना होगा कि ये पॉइंट कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा डिनोट करना होगा जब, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा एक्स जीरो, मतलब ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, क्योंकि देखो ये जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा जीरो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से बिल्कुल भी दूरी पे नहीं है, वो उसी पे है, तो इट मींस वो डिस्टेंस क्या होगा जीरो। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हमने वाई एक्सिस पे दिखाना होगा तो वाई एक्सिस पे इस तरह से ये पॉइंट अगर हमने दिखाना है तो ये क्या हो जाएगा जीरो वाई, क्योंकि ये जो जीरो है ये जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से बिल्कुल भी दूरी पे नहीं है, वो उसी पे है, इट मींस ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिखाना है वो एक्स जीरो होगा, और जो वाई एक्सिस पे अगर हमें पॉइंट लेना होगा कोई तो वो क्या होगा जीरो वाई होगा। होप करता हूं कि आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो वही हमने लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो एंड ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म जीरो वाई। तो डियर स्टूडेंट्स एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ, एक ग्राफ होगा जो इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस पे कोई भी पॉइंट हमें अगर दिखाना होगा तो वो हम किस तरह से दिखाते हैं एक्स वाई, जनरल में हम किस तरह से लिखते हैं एक्स और ये वाई, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, जो 9th क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ते हैं, तो 10th क्लास में हम ये वाला यूनिट पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो वो भी एक यूनिट है आपका सिलेबस में, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो वो जो लीनियर इक्वेशन अगर इस फॉर्म की होगी ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो जब हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे तो वो लाइन कौन सी आएगी, जैसे सपोज अगर हमें हमारे पास ये एक ग्राफ है तो इस ग्राफ पे अगर ये एक जो लाइन होगी ये कौन सी होगी स्ट्रेट लाइन, और ये जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इट मींस जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है उसको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे तो वो हमें क्या देती है एक स्ट्रेट लाइन देती है। तो स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है मैं अब आप इनके इसके यूजेस बता देता हूं आप बच्चों को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां कहां पे यूज
यूज होती है, फिजिक्स में यूज होती है, इंजीनियरिंग में यूज होती है, नेविगेशन में यूज होती है, सेस्मोलॉजी में यूज होती है और आर्ट में यूज होती है। तो आप डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये पता होगी फिजिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है, इंजीनियरिंग आप बच्चों को पता है, बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं क्या काम करते हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, ये आप बच्चों को पता है, इंजीनियरिंग ब्रांच हो गई। उसके बाद नेविगेशन, नेविगेशन किसके लिए होती है कि हम जब किसी एक, जैसे सपोज करो हमारे होम जो है वो इस पॉइंट पे है अगर ग्राफ पे, तो हम ये नेविगेट करते हैं कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो वो भी हम इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से फाइंड कर सकते हैं। सेस्मोलॉजी, सेस्मोलॉजी आप बच्चों को आता होगा, जो हमारे पास अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, तो अर्थक्वेक में वो जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। और साथ में आर्ट में, आर्ट में मतलब हमें अगर कोई ग्राफ ड्रा करना है, कोई हमें किसी का, जैसे इंडिया है, इंडिया का मैप ड्रा करना होगा, तो वहां पे भी हम ये चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आप बच्चों को यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूले में क्या है, हम कंसिडर करते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक P है और एक Q है, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, X1 और Y1। सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट हम लेट करते हैं, वो है हमारे पास X2 और Y2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब इन दोनों को फिगर पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लो कि ये पॉइंट हमारा X1 है, ये पॉइंट हमारा X2 है, सिमिलरली ये Y1 है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहां पे हम मान लेते हैं ये Y2 है, तो इसके सामने का जो पॉइंट अब हमने Q पॉइंट दिखाना है, तो वो क्या होगा, X2, Y2 है, तो इट मीन्स ये X2 के यहां से सामने होगा, ये X एक्सिस मतलब इस डिस्टेंस पे, ये हमारे पास X2 के सामने आएगा पॉइंट, और साथ में इस तरफ से किसके सामने आएगा, Y2 के सामने, और सपोज अगर ये वाला हमारे पास Y2 पॉइंट है, तो इसके सामने ये वाला पॉइंट आ गया, और इसके सामने ये, तो इट मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन गया, X2 Y2। ये आप बच्चों को 9th क्लास में लोकेट करना सिखाते हैं कि हम कैसे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब हमने ये दूसरा पॉइंट है वो क्या है, X1 Y1, तो X1 अगर हमारे पास ये है, तो Y1 अगर हमारे पास ये है, तो यहां से हम देखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, और यहां से हम जब देखेंगे तो ये दोनों कहां पे आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, P, वो है X1 Y1। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाला पॉइंट भी यहां पे देखो, ये एक हम और मान लेते हैं पॉइंट, सपोज वो है T, तो T हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, जब आप यहां से देखोगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, X2 आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस क्या आ रहा है, X2, और यहां से डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, Y2, इट मीन्स ये Y2, ये Y1 है, और ये कौन सा आ रहा है, X2, इट मीन्स ये पॉइंट हमारा हो जाएगा X2 Y1। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये डिस्टेंस देखोगे QT और जब आप ये PT डिस्टेंस देखोगे, तो इट मीन्स अब आप QT और PT निकाल सकते हो। अगर आप QT फाइंड करोगे, क्या करोगे, QT फाइंड, तो QT में जब आप देखोगे Q का पॉइंट है X2 Y2 और X2 Y1, X2 और X2 में से माइनस करोगे तो ये तो जीरो बचेगा, लेकिन Y2 में से ये क्या हो जाएगा, Y2 माइनस Y1, तो जो QT होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, Y2 माइनस Y1। सिमिलरली जब PT लोगे तो PT में क्या है, X1 Y1 and X2 Y1 दोनों क्या है, सेम है, ये तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये क्या बचेगा, X2 माइनस X1, तो वही हमने लिखा है, PT हमारे पास क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1। ये स्टूडेंट्स, ये हमने PT ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लिया, QT हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लिया। जब हम ये फिगर में देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, ये अगर ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास ये कौन सी साइड हो जाती है, हाइपोटेन्यूज, और बाकी ये दो साइडें, तो जब हम ये देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो इसका स्क्वायर क्या है, PQ का स्क्वायर, तो वो लिखा है हमने, और ये दो साइडें कौन सी है, PT और QT, ये हो जाएगा PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने PT भी निकाला हुआ है, QT भी निकाला है, ये वाला स्केयर कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, तो वो अंडरूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा अंडरूट PT स्केयर प्लस QT स्केयर बन जाएगा। अब हम PT की वैल्यू पुट करेंगे, वो है हमारे पास X2 माइनस X1, तो वो हमने वही लिखा है X2 माइनस X1 का होल स्केयर प्लस Q2 की वैल्यू पुट की, तो Y2 माइनस Y1 का होल स्केयर। तो इस तरह से जो हमने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मतलब P और Q का जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया, तो वो किस तरह से मिला, X2 माइनस X1 का स्केयर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्केयर, किसको यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, और यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, कि अगर हमें दो पॉइंट्स मतलब P और Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, और P और Q द्वारा दो पॉइंट्स ये क्या होंगे, X1 Y1 X2 Y2। जब हमें X1 Y1 और X2 Y2 पता होंगे, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे और PQ हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये मैंने बता दिया कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P एंड Q
इज गिवन बाय पी क्यू इज इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर। और सिमिलरली जो पी क्यू है तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स वन माइनस एक्स टू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन कॉमन, और माइनस वन का स्केयर करते हैं तो वो क्या आता है, वन ही आता है। इट मीन्स हम इसको ये एक्स वन पहले लिख सकते हैं और एक्स टू बाद में भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला चेंज होकर क्या सकता है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्केयर और वाई टू वाई वन माइनस वाई टू का होल स्केयर भी आ सकता है, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे भी कॉमन निकालना है तो उसका स्केयर करेंगे तब भी वन आएगा, और यहाँ पे भी माइनस वन कॉमन निकालेंगे और उसका स्केयर भी हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वन। इट मीन्स वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही चीज रहेगी जो हमने कॉमन निकाल ली थी, माइनस वन जब माइनस वन कॉमन निकाला था तो हमारे पास वाई वन माइनस वाई टू आया था, यहाँ पे x1 माइनस x2 आया था, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो माइनस वन का स्केयर वो 1 होता है तो 1 इंटू ये करेंगे तो वही आ जाता है, यहाँ पे भी माइनस वन का स्केयर 1 होता है तो 1 इंटू ये वाली टर्म करेंगे तो वही टर्म हमारे पास आ जाएगी y1 माइनस y2 का होल स्केयर। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से ये डिस्टेंस फार्मूला आप ये भी लगा सकते हो या ये भी लगा सकते हो। सिमिलरली अब आप बच्चों को अगर ये पूछा गया हो कि ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है तो ओरिजिन वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां पे क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है जीरो। आप बच्चों को मैंने पहले बताया ओरिजिन में कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या करती है आपस में एक दूसरे को काटती है तो ये हमारे पास पॉइंट क्या होता है जीरो जीरो। तो ओरिजिन वाला पॉइंट जीरो जीरो हो जाएगा और दूसरा पॉइंट एक्स वाई हो जाएगा, इट मीन्स एक्स माइनस जीरो का होल स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा, वाई माइनस जीरो का होल स्केयर तो वाई स्केयर हो जाएगा। तो जो ओपी का डिस्टेंस, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस हमने ओरिजिन से फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये बच्चे आप बच्चों ने ये भी याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पे जो भी एग्जांपल है हम ये वाली एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल वन क्या है, डू द पॉइंट्स 3 2 माइनस 2 माइनस 3 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो अगर ऐसा है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये पॉइंट हमें एक दिया है, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट दिया है, हमें ये जो पॉइंट दिए हैं हम इनका नाम दे दिया पी क्यू और आर। सपोज ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट्स तीन पॉइंट से, अगर ये तीन पॉइंट है सपोज इस तरह से, तो जब ये तीन लाइनें जुड़ती हैं तो ये क्या बनाती है ट्राइंगल बनाती है। तो ट्राइंगल बनाती है सपोज ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था और ये आर पॉइंट था, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पी क्यू पी आर और क्यू आर। तो हमें क्या करेंगे, पी क्यू निकालेंगे ये वाला, फिर क्यू आर निकालेंगे और फिर पी आर ये वाला डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो तीनों डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास पी क्यू और आर पॉइंट है, तो जब हम पी और क्यू लेंगे तो हमें पी क्यू डिस्टेंस मिल जाएगा, जब हम क्यू और आर पॉइंट लेंगे तो हमें क्यू आर डिस्टेंस मिल जाएगा, जब हम पी और आर पॉइंट लेंगे तो हमें पी आर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो रिस्टोरेंट जब हमने पी क्यू निकालना है तो आप बच्चे यहां से देख सकते हो, अच्छे से आसानी से आप समझ जाओगे अगर आप ध्यान से देखोगे। अगर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1, ये हमारे पास है y1, ये पॉइंट x2 हो गया और ये हमारे पास y2 हो गया। तो जब हमने पी क्यू फाइंड करना है तब, तो जब हमने ये पी क्यू फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका होल स्केयर, प्लस बाद में क्या होता है y2 माइनस y1 मतलब माइनस 3 माइनस 2, तो वही हमने लिखा है माइनस 3 माइनस 2 उसका क्या होता है स्केयर। और यहाँ पे देखो लो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, उस पे क्या होता है अंडररूट लगा होता है, तो हमने इसके ऊपर अंडररूट लगा दिया। स्टूडेंट अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व आप कर ही सकते हो, माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 5, तो माइनस 5 का होल स्केयर क्या होता है 25, और यहाँ पे भी माइनस 5 तो यहाँ पे भी माइनस 5 का होल स्केयर, तो ये 25 प्लस 25 क्या हो जाता है 50, तो अंडर रूट ये क्या आ जाएगा 50। तो इस तरह से हमने पी क्यू फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम क्यू आर फाइंड कर सकते हैं, इसको अब हम x1 इसको y1 मानेंगे, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2 और 3 माइनस माइनस 3। जब हम क्यू आर निकालेंगे, जब हम पी आर निकालेंगे तो 2 माइनस 3 हो जाएगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा और उनका स्केयर हो जाएगा। ये आप बच्चे अब अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो हमने आगे निकाला है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने पी क्यू फाइंड कर लिया था, मैंने आप बच्चों को बताया वो कैसे आया, माइनस 5 का स्केयर 25 और माइनस 5 का स्केयर 25, तो ये हमारे पास रूट 50 हो गया। डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली अब हम क्यू आर फाइंड करेंगे, तो वो भी मैंने आप बच्चों को बताया था 2 माइनस माइनस 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्केयर, सिमिलरली 3 प्लस 3 6 का स्केयर, तो ये आएगा 3 6 का स्केयर 36, 4 का स्केयर 16, 16 प्लस 36 करेंगे तो 52 आ जाएगा और 52 का अंडर रूट हमारे पास क्यू आर आ जाएगा। सिमिलरली हम पी आर निकालेंगे, तो जो पी पॉइंट था वो आप बच्चों को पता था वो क्या पॉइंट था, वो आप बच्चे बता सकते हैं, वो था हमारे पास माइनस 3 और माइनस 2, और जो हमारे पास आर पॉइंट था तो वो क्या था हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास शायद आर पॉइंट हमारे पास था 2 और 3, हम देख लेते हैं पीछे क्या है। तो आर पॉइंट हमारे पास 2 3 था और पी के पॉइंट हमारे पास 3 2 था, तो हम ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आप बच्चे ये देख सकते हैं, तो वही मैंने यहां पे लिखा, ये हमारे पास सॉरी यहां पे प्लस थे
प्लस थ्री और प्लस टू था, तो अब हम क्या करेंगे, पी आर पॉइंट है तो टू में से थ्री माइनस होगा, तो वही हमने लिखा है टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर और थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि हम योर नेक्स्ट, ये हमारा अगर पी है, ये हमारा पास क्यू है, तो हम एक्स टू में से एक्स वन माइनस करते हैं और वाई टू में से वाई वन माइनस करते हैं, तो वही हमने लिखा है एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब टू माइनस थ्री और वाई टू माइनस वाई वन मतलब थ्री माइनस टू, तो वही हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो टू माइनस थ्री करेंगे माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, थ्री माइनस टू करेंगे तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वो वन आएगा और वन का स्क्वायर हमारे पास वन ही होता है, तो वन प्लस वन क्या हो गया टू, तो ये हमारे पास क्या हो गया रूट टू। तो डेयर स्टूडेंट्स अब हमने ये देखा पी आर हमारे पास रूट टू है, क्यू आर हमारे पास रूट फिफ्टी टू है और जो पी क्यू है वो हमारे पास रूट 50 है। तो डेयर स्टूडेंट जब हम ये देखते हैं जो पी क्यू रूट 50 था उसकी वैल्यू होती है 0.07, ये आपको वैल्यू लिखने की जरूरत खास नहीं है, आप सिर्फ इतना सा भी लिखोगे तब भी ठीक है, और जो क्यू आर है वो हमारे पास रूट 52 है और वो उसकी वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली 7.21 होती है, और पी आर की वैल्यू रूट 2 है और वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.41 होती है। तो डेयर स्टूडेंट हमने ये देखा कि जब भी हम सम करेंगे किन्हीं भी टू साइड का, कोई भी टू साइड आप ले लो उनका सम करोगे तो वो क्या आएगा हमेशा बड़ा आएगा तीसरी साइड से, और यही एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल कब बनता है कि अगर इन दो साइडों का सम क्या होगा इस तीसरी साइड से क्या होगा बड़ा, या इन दो साइड ये जो दो साइडें लेंगे इनका सम हमारे इस साइड से बड़ा होगा, या इन दो साइडों को लेंगे इनका सम हमारा तीसरी लाइन से इससे बड़ा होगा। तो इट मीन्स कोई भी हम दो साइडें लेंगे और उनका सम हमारा क्या होना चाहिए तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ये हमारी ट्राइंगल की कंडीशन होती है। तो अगर ये ऐसा हो तो इट मीन्स ये तीन पॉइंट क्या कर रहे होते हैं ट्राइंगल बना रहे होते हैं, देयरफॉर जो पी क्यू आर है ये क्या कर रहे हैं पॉइंट एक ट्राइंगल बना रहे हैं, वो ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू आर। अब ये एक ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर, लेकिन हमें ये भी पूछा था अब बताओ कि ये पी क्यू आर अगर ट्राइंगल बन जाता है तो ये कौन सी टाइप का ट्राइंगल है। तो डियर स्टूडेंट जब हम ये देखते हैं ये हमारे पास पी क्यू है हमारे पास रूट 50, पी आर क्यू आर है हमारे पास रूट 52 और पी आर है हमारे पास रूट 2। तो डियर स्टूडेंट जब आप यहां पे देखोगे रूट 50 इसका स्क्वायर करोगे प्लस रूट 2 का स्केयर करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, ये स्केयर और ये स्केयर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वो हमारे पास 50 आ जाएगा, ये स्केयर और ये स्केयर कैंसिल, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस टू, 50 प्लस टू कितना होता है 52। और डियर स्टूडेंट ये हमारा किसके बराबर आ गया, मतलब ये हमारे पास क्या था पी पी क्यू 50 क्या था पी क्यू और ये हमारे पास क्यू आर क्या था पी आर क्या था रूट 2। तो इट मीन्स पी क्यू प्लस पी क्यू का स्केयर प्लस पी आर का स्केयर, तो यही हमने लिखा है पी क्यू का स्केयर प्लस पी आर का स्केयर। जब हमने इसको सॉल्व किया वो किसके बराबर आ रहा है 52 के आ रहा है बराबर आ रहा है, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं 52 का रूट का स्केयर, ये स्केयर और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 52 ही आएगा। इट मीन्स ये हमारा क्या था रूट 52 क्या था वो था हमारे पास क्यू आर, वो हमने क्यू आर लिखा और क्यू आर का स्केयर हो गया। और डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे ये मेरे को बता सकते हैं कि जब एक साइड का स्केयर बाकी दो साइडों के स्केयर के सम के बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं ऐसा ट्राइंगल जिसमें पैथागोरस थ्योरम लगी हो, जिसमें पैथागोरस थ्योरम लगती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल बनेगा तो वो कौन सा बनेगा राइट ट्राइंगल, और उसमें राइट एंगल कहां पे होगा पी पॉइंट पे राइट एंगल होगा, क्योंकि ये क्यू है और ये आर है और हाई पार्ट न्यूज होता है ना बड़ी साइड क्यू आर, तो इट मीन्स ये अगर क्यू आर आर है तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा पी होगा और ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने बता दिया कि जो पी क्यू आर है वो पॉइंट्स है ये क्या कर रहे हैं एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और ये जो ट्राइंगल होगा ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2 -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टेक्सेस ऑफ द स्केयर। हमने दिखाना है कि ये जो चार पॉइंट्स दिए हैं कि ये एक स्केयर के वर्टेक्सेस हैं। स्केयर कौन सा होता है ऐसी फिगर जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों साइडें क्या होती हैं बराबर होती हैं, और साथ में क्या होता है उसमें ये स्टूडेंट्स इसके साथ में एक ऐसी फिगर भी होती है रोम्बस बोलते हैं जिसको कि उसमें भी सारी साइडें बराबर होती हैं, लेकिन ये जो डायगनल होते हैं ये डायगनल और ये डायगनल क्या होते हैं एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, लेकिन स्केयर के केस में ये जो डायगनल है और ये जो डायगनल दूसरा होता है ये दोनों डायगनल क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब स्केयर के केस में सारी साइडें भी बराबर होती हैं और दोनों डायगनल भी बराबर होते हैं। अगर हम इसको ए पॉइंट मान लें इसको बी पॉइंट मान लें सी पॉइंट मान लें और डी पॉइंट मान लें, इट मीन्स जो ए बी होगा वो बी सी के बराबर होगा और बी सी सी डी के बराबर होगा और सी डी डी ए के बराबर होगा, मतलब ये चारों साइडें क्या होंगी बराबर, और साथ में जो ए सी होगा वो हमारे पास बी डी के बराबर भी होगा। इट मीन्स हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा बी सी फाइंड करना पड़ेगा सी ए फाइंड सी डी फाइंड करना पड़ेगा और डी ए फाइंड करना पड़ेगा। ये जब चार साइडें फाइंड करेंगे और ये अगर हमारी इक्वल आई इट मीन्स ये चार साइडें बराबर हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं फाइंड ए सी और बी डी,
क्योंकि ये भी क्या है, दो डायगनल है और ये दोनों डायगनल भी क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों डायगनल बराबर ना हो तो इट मीन्स ये शायद रोम्बस हो या शायद स्क्वेयर हो, लेकिन जब ये डायगनल भी बराबर है तो इट मीन्स ये कौन सी फिगर होगी, स्क्वेयर ही होगी। इसका मतलब हमें ये चीजें प्रूव करनी है कि ये चारों क्या है, बराबर है, और ये दो चीजें ये भी दोनों क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी, तो इनका हमने नाम दे दिया। अब हम फाइंड करेंगे ए बी, और आप बच्चों को ए बी फाइंड करना आता होगा फोर में से। अब जो देखो ए और बी लिखा है ना, तो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं बी, तो बी के पॉइंट है 4 2, तो ये हमारे पास एक्स टू है, एक्स टू में से एक्स वन मतलब वन, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 का स्क्वेयर। सिमिलरली 2 - 7 करते हैं, तो 2 - 7 मतलब -5 का स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू √34। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, ये बी और ये सी पॉइंट लिख लेंगे, तो यहां पे देखेंगे -1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा बी सी आ जाएगा। सिमिलरली सी डी लेंगे, -1 - -1 का स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली 4 - -1 का होल स्क्वायर, तो वो हमारे पास, उसको भी सॉल्व करेंगे तो सी डी मिल जाएगा। सिमिलरली हम ए डी लेंगे, ए डी में हम या 1 - -4 का स्क्वायर करेंगे या फिर 7 - 4 का स्क्वेयर करेंगे, तो ए डी भी हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हम चार चीजें सॉल्व करेंगे। फिर हम ए और सी पॉइंट लेंगे तो ए सी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम बी और डी पॉइंट लेंगे और बी डी डिस्टेंस निकालेंगे। ये सारे 6 डिस्टेंस निकालेंगे, ये 4 बराबर होने चाहिए और ये 2 भी बराबर होने चाहिए। तो हमने ए बी डिफाइन कर दिया है। सिमिलरली हमने बी सी फाइंड किया होगा, सी ए फाइंड किया होगा, सी डी फाइंड किया होगा और डी ए फाइंड किया होगा, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, बी और सी पॉइंट लिया और उसका हमने डिस्टेंस देखा, वो हमने इस तरह से निकाला, वो भी हमें √34 आया। सी डी का फाइंड किया, मतलब सी और डी पॉइंट लिए, जब सी और डी पॉइंट लिए उनका हमने डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस निकालना अब आप बच्चों को आ गया होगा, मतलब अगर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, सी ये पॉइंट डी है, तो इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट होंगे हमारे पास एक्स टू वाई टू और यहाँ पे जो एक्स वन वाई वन होंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करेंगे और इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करेंगे जनरल में। तो आपने यहाँ पे भी सी डी निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये सी डी की वैल्यू हमारे पास √34 आई, और जब हम डी ए निकालेंगे, ये हमारे पास डी पॉइंट होगा, ये हमारे पास ए पॉइंट होगा, इनकी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी और इनकी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी। जो ये वाला पॉइंट होगा जो एक्स टू, इसमें से हम ये वाला पॉइंट माइनस करेंगे, फिर इस वाले पॉइंट में से हम ये वाला पॉइंट माइनस करेंगे, तो ये हमने वैसे किया हुआ है और उसका रूट करते हैं, तो ये भी हमारा क्या आ गया 34 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये डिस्टेंस निकालना आ गया होगा। ए बी बी ए बी बी सी सी ए और डी ए, हम जब ये चारों चीजें निकाली तो ये क्या है √34, ये भी √34, ये भी √34 और जो ए बी निकाला था वो भी √34। इट मीन ये चारों साइड क्या है, बराबर है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है कि ए सी और बी डी वो भी क्या होने चाहिए, बराबर, मतलब डायगनल्स भी बराबर होने चाहिए। अब हम ए पॉइंट लेते हैं और फिर सी पॉइंट लेते हैं, जो सी पॉइंट का ये वाला एक्स टू होगा, इसमें से हम ए पॉइंट का एक्स वन माइनस करेंगे। सिमिलरली जो सी का हमारे पास वाई टू पॉइंट होगा, उसमें से हम ए का वाई वन पॉइंट माइनस करेंगे। तो जब हमने ये माइनस किए तो हमारे पास ये आ गया -1 - 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा हमारे पास -1 और यहाँ पे होगा हमारे पास 1 और यहाँ पे होगा हमारे पास -1 और यहाँ पे हमारे पास होगा 7। ये इस तरह से पॉइंट होगा, ए पॉइंट हमारे पास 1 7 होगा और सी पॉइंट हमारे पास -1 - 1 होगा, -1 - -1 हो जाएगा और -1 - -7 हो जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ए सी √68 आया। और सिमिलरली जब हम बी डिफाइन करेंगे तो वो भी हमारे पास √68 आएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, ये बी पॉइंट लोगे, यहाँ पे डी पॉइंट लोगे, ये बी पॉइंट के आपको पता होंगे कोऑर्डिनेट और यहाँ पे भी डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे। ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में से हम इस कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और जो वाई कोऑर्डिनेट है ये वाला, इस कोऑर्डिनेट में से हम इस कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। जो आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं आप बच्चे देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो आप जब भी आप ये लेक्चर देखते हो तो प्लीज अपने साथ रफ कॉपी रख लीजिए, तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब हमने बी डी भी फाइंड किया तो वो भी हमें √68 मिला। इट मीन्स जो ए सी और जो बी डी है ये दोनों भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये चारों साइडें बराबर है और दोनों डायगनल क्या है, बराबर है। तो इसलिए ये हमारी जो फिगर है ए बी सी डी, तो ये क्या होगी, स्क्वेयर होगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा आया होगा तो मैं कल दोबारा से थोड़ा सा समझा दूंगा दोबारा आपको डियर स्टूडेंट, क्योंकि आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया था तो इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा जल्दी कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज बी कोऑपरेटिव, स्टे ट्यून्ड। जब तक आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।